गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर माया। तो आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ इवनिंग ब्लॉग। तो देखना, मैं भी चाय बना लेती हूँ, चाय पीऊँगी, उसके बाद थोड़ा सामान लेके आई हूँ मैं लोकल मार्केट से ही, तो लगा लेती हूँ उसको और फिर रूटीन से करूँगी मैं आप लोगों से आज डिनर का। तो मैं बना लेती हूँ चाय और आज मैं आप लोगों के साथ अपना नाइट रूटीन। तो आप हमारा अभी बालकनी में है वो, तो बोल रहा है कि मम्मी खोलो मुझे, तो उसको खोल लेते हैं, अंदर बुला लेते हैं। और ये दोनों देखिए यहाँ पर जानू इधर देखो, ए जानी। अभी जानी देख तो रहा है, इसे लग रही है अंदर जाने की। मिले मेरे डॉगी से, ऐसा लगे मेरे डॉगी के बारे में भी कमेंट करके जरूर बताना। घर में ही रहते हैं ये तीनों, एक मेरी डॉगी है लेडी डॉगी यानी कि बिच है, और दो मेरे पास डॉग हैं, तो देसी ही है तीनों, और मुझे वो बहुत प्यारे। तो मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ अपनी आज अभी जो लेके आई हूँ ग्रोसरी का सामान। तो मैं ये लेके आई हूँ हमारी बोल का बिस्किट सामान लेके आई हूँ मैं अभी घर का, जैसे बिस्किट का पैकेट लेके आई हूँ, ये लेके आई हूँ देसी पूजा के लिए, और बाकी मैं घर में घी बना लेती हूँ, बाकी ये पूजा के लिए। और थोड़ा सा नील लेके आई हूँ और चावल लाई हूँ अभी, और ये चीनी, ये साबुन, तेज पत्ते ख़त्म हो चुके थे तो घर के लिए तेज पत्ता लेके आई हूँ मैं। पोहा ख़त्म हो चुका था तो बाय वन गेट वन की स्कीम चल रही थी, तो मैं दो पोहे लेके आई हूँ, ये एक के साथ एक फ्री मिला है। और ये दाल लाई हूँ, जो दालें ख़त्म हो गई थी वो लेके आई हूँ। और ये पूजा का सामान लेके आई हूँ, बस यही है छोटा थोड़ा सा घर के लिए सामान लाई हूँ ग्रोसरी का। तो ये सामान मैं आई, हमारे यहाँ ही लोकल में शॉप है, अच्छी शॉप है बड़ी, तो मैं उसी से ले आती हूँ। अभी तो बिग बाज़ार वगैरह जाना नहीं हो रहा, तो मैं अभी यहीं से लेके आ जाती हूँ, और पास में ही है घर के, तो फटाफट से लेके आ जाते हैं। और तो बेटी से बनवा लेती हूँ चाय, क्योंकि मैं अभी थक कर आई हूँ, तो वो चाय बहुत अच्छी बनाती है, उसकी चाय में मुझे बहुत अच्छा स्वाद आता है, तो वो चाय बना लेगी अभी। तो मैं उसी को बोलती हूँ चाय बनाने के लिए, और चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको डिनर के टाइम पर, पूजा कर लूँगी डिनर टाइम पर मैं आपसे मिलती हूँ किचन में। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, एक लाइक तो ज़रूर बनता है गाइस, ज़रूर करना प्लीज़, मुझे आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं सजेशन दे सकते हैं। तो यही है आज का रूटीन, तो पी लीजिए आप लोग भी चाय मेरे साथ। और आज फ्राइडे है तो मेरा व्रत है, तो मैं संतोष माता का व्रत रहती हूँ और चाय में गिलास में पीती हूँ आज के दिन। और आप लोग भी पी लीजिए मेरे साथ शाम की चाय, अभी 6:30 हो गए हैं, चाय पी लेती हूँ, उसके बाद सामान लगाऊंगी घर का और पूजा करूँगी, फिर करूँगी शाम की खाने की तैयारी। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपना नाइट रूटीन शेयर करूँगी कि नाइट में मेरा क्या क्या काम होते हैं ज़्यादातर। और आप लोग भी बताइए, और प्लीज़ मुझे मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट मुझे ज़रूर भेजिए। तो चाय हो चुकी है मेरी खत्म, तो बर्तन लगा लेती हूँ, दिन के मजे में रखे हैं बर्तन, और उनको लगाने के बाद फिर करती पूजा, फिर शाम का खाना बनाने के लिए आई। किचन में मैं आ चुकी हूँ और दाल का डब्बा मैंने निकाल लिया है, मैं डिनर के लिए दाल बनाने के लिए भिगो देती हूँ।
अंदर थोड़ा सा डालूँगी और साफ करूँगी। साफ कर लेती हूँ दाल को। दाल बनाने के लिए मैंने मिक्स दाल ली है और फ्राइडे है तो शुक्रवार के दिन दाल हम मिक्स ही खाते हैं, सिंपल दाल बन जाती है। दाल मैंने यहाँ पर भिगो दी है, जब तक मेरी दाल भी नहीं थी मैं बना लेती हूँ, मच लेती पूजा। हेलो फ्रेंड, तो मैंने 3 ली कटोरी चावल ले लिया। अब मैं इसको भिगो देती हूँ अच्छे से धो के। पहले तो पानी ले लेती हूँ, मैं इनको धो लेती हूँ। अब मैं रखूँगी दाल, चावलों को मैंने भिगो के रख दिया था और दाल मैंने पहले भिगो ही ली थी, तो मैं इसको कुकर में डाल कर रख देती हूँ। दाल में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, शुक्रवार का दिन है, आज मेरा फास्ट होता है, तो इसमें पानी डालूँगी और नमक और हल्दी और हींग, यही बेसिक से मसाले, ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालती हूँ। तो मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी, और व्रत के मसाले में स्टॉक में से यूज़ कर लेती हूँ व्रत वाले दिन, उसे मैं मसालेदाने में से नहीं डालती हूँ। इधर मैंने नमक भी डाल दिया अपने स्वाद के अनुसार, तो हींग डाल लेती हूँ थोड़ा सा, लगाती हूँ ढक्कन। तो मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ 2-3 सीटी आने के लिए, क्योंकि दाल तो मेरी पहले ही भीगी हुई थी। 3 सीटी आने तक मैं दाल को रख लूँगी। मैं जब तक मेरी दाल हो रही है मैं कर लेती हूँ और मिर्ची वगैरह काटने की तैयारी। तो मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 7-8 मिर्ची ली है हरी, तो मैं काट लेती हूँ इनको। मिर्ची मेरी काट रही हूँ मैं, मिर्चियों को अच्छे से, मिर्ची को बारीक बारीक काटती हूँ, फिर वो मुंह में आती है तो बच्चे उसे निकाल देते हैं। तो काट लूँगी। इधर मेरी मिर्ची और हरी अदरक कट चुकी है, और मैं सीटी लगाना भूल गई थी कुकर में, तो अभी सीटी लगाई है। मैं इसको इसमें अदरक और मिर्ची डाल दूँगी अच्छे से, पहले डाल दो तो अदरक गल जाती है, वरना तो बच्चे निकाल देते हैं। और डालूंगी 1 चम्मच देसी घी। तो खाने में मैं देसी घी घर का बना यूज़ करती हूँ।
इधर रख लेती हूँ मैं अपने चावल। तो चावलों को कई बारी मैं अपनी कढ़ाई में भी छोक लेती हूँ और उन्हें अच्छे से लीड लगा के रखो तो वो बन जाते हैं और पानी भी बाहर नहीं आता। तो चावलों में डालूँगी मैं देसी घी और थोड़ा सा जीरा। तो जीरा मेरा हो रहा है, मैंने घी में जीरा डाल दिया। चावलों को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। सॉरी गाइस। तो इधर मैं पानी डाल लूँगी चावलों में और चावल थोड़े भीगे हुए हैं तो थोड़ा ही पानी जाएगा। और अगर आप ऐसे कढ़ाई में भी बना लेंगे तो बहुत अच्छे चावल बनते हैं। कुकर में चावल थोड़े से चूज़ी हो जाते हैं लेकिन इसके चावल बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं। तो इधर मैं कर लेती हूँ आटे की तैयारी। तो मैं दाल चावल बना रही हूँ तो रोटी थोड़ी ही बनाऊँगी। तो आटा मेरा, मैं आटे को लगा लेती हूँ। आटा मेरा गूंथ चुका है, साइड में रख देती हूँ मैं आटे को। मैं धो लेती हूँ हाथ फटाफट से। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी मिर्ची और लूँगी क्योंकि सिंपल दाल चावल होते हैं तो थोड़ी मिर्चियाँ काट लेती हूँ, उसमें तड़का लगा दूँगी। तो मिर्ची हस्बैंड को पसंद है क्योंकि दाल सिंपल बनाती हूँ मैं, ज़्यादा इसमें टमाटर वगैरह प्याज व्याज कुछ जाता नहीं है तो इसी वजह से। तो मैंने काट ली थी मिर्ची। अब मैं आटे को एक बार और प्लेन कर दूँगी थोड़ा अच्छे से। 5-10 मिनट आटे को रखने के बाद हाथ मार दें तो वो आटा और भी मुलायम हो जाता है, रोटी अच्छी बनती है। अब इधर मैं अपने हाथ धो लेती हूँ, मेरे चावलों को देख लेती हूँ। चावल मेरे हो ही गए हैं तकरीबन। अब मैं यहाँ पर, मैंने थोड़ा सा जीरा लिया है तो जीरे को भून लिया, इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसे पीस लूँगी। अब मैं डालूँगी यहाँ पर 1 चम्मच घी, थोड़ा सा जीरा और अपनी ये मिर्च जिन्हें मेरे को फ्राई करना है। तो फ्राई पैन में ही मिर्ची बन जाएगी। इधर बेटी आई थी, बेटी को कुछ सामान चाहिए था तो अब मैं डालूँगी इसमें हल्की सी हल्दी और धनिया पाउडर और नमक, यही जाएंगे मिर्ची में। अब यह मिर्ची मेरी हो चुकी है, मैं इन्हें निकाल देती हूँ कटोरी में और कर लेती हूँ तड़के की तैयारी। इसी में पैन में मैं तड़का लगाऊंगी, मैंने घी डाल दिया है और तड़के में ज़्यादा कुछ नहीं जाता क्योंकि मैं शुक्रवार के दिन जीरे से ही और हींग से ही तड़का लगाती हूँ। और 2-1 हरी मिर्ची ले लेती हूँ और अदरक मैंने पहले ही डाल दिया था दाल में। तो दाल को थोड़ी देर गर्म होने रख देती हूँ। मिर्ची को मैंने डाल दिया है और जीरा मेरा हो चुका था, डाल लूँगी थोड़ी सी हींग। अब तड़का मेरा हो चुका है, इसको लगा कढ़ाई दाल में अच्छे से। यही मेरा सिंपल सी दाल तैयार हो चुकी है। अब मेरे दाल चावल मिर्ची और आटा, ये सब मैंने दाल बना ली, चावल बना लिया। आइए मैंने जीरा जो कूटा था तो मैं जीरे को दाल में डाल दूँगी। तो इसमें और कोई मसाले नहीं जाते हैं, हल्दी
नमक, हरी मिर्ची और अदरक और हींग और जीरा पाउडर ही डालती हूँ मैं। और इसमें बहुत स्वाद आ जाता है, बहुत टेस्टी दाल बनती है ये, क्योंकि फास्ट होता है तो उस दिन खाना इतना टेस्टी लगता है ना बहुत ज़्यादा। ये देखिए चावल एकदम खिले खिले बने हैं। तो सभी काम हो चुके हैं मेरे, खाना मेरा रेडी हो चुका है तकरीबन सारे, अभी रह गई है रोटियां लगानी है, रोटियां लगाऊंगी। अभी थोड़ी देर हवा में बैठी हूँ और सोच रही हूँ थोड़ा न्यूज़ पढ़ लेती हूँ। अभी आधा घंटा है, 8:30 हो चुके हैं बेटे को आने में अभी, और उसके पापा को भी, और फिर बेटी अभी मेरे साथ ही बैठी है, वो कंप्यूटर पर काम कर रही है, तो मैं तब तक अखबार ही पढ़ लेती हूँ। छोटी बेटी अंदर बैठी हुई है, बालकनी में है वो, तो मैंने कहा मैं अखबार पढ़ लेती हूँ। मैंने बुलाया है अभी उसको अपने पास, तो वो नहीं आई, कोई बात नहीं, वीडियो में बच्चे आना नहीं चाहते। तो बाकी यही है सारा दिन का, मॉर्निंग में ज़्यादातर काम ज़्यादा होता है और इवनिंग में तो यही काम है, चाय बना ली, पूजा कर ली और खाना पीना बना लिया। तो खाना मेरा सारा रेडी हो चुका है, सिर्फ रोटियां लगानी है, रोटियां बनाऊंगी अभी, जब रोटियां गर्म गर्म ही अच्छी होती है। तो पढ़ लेती हूँ थोड़ा अखबार और थोड़ी देर हवा के पंखे के नीचे बैठ जाती हूँ, और सब लोग आ जाएंगे तभी बनाऊँगी रोटी, और तभी मिलती हूँ मैं आप लोगों से। गैस ऑन कर लिया मैंने, रख लेती हूँ तवा रोटी बनाने के लिए, इसके ऊपर ढालूँगी आटा। चलिए फटाफट से बना लेती हूँ गरम गरम रोटियाँ, क्योंकि हस्बैंड आ चुके हैं और साथ में बेटा भी, बेटा 9 बजे तक आ जाता है शॉप पर से। तो अब मैं बना लेती हूँ रोटियाँ फटाफट से गरम गरम, जल्दी जल्दी, इतने बेटा मुँह हाथ धो लेगा और हस्बैंड भी मुँह हाथ धो लेंगे, इतने वो लोग बैठते हैं। मैं तब तक फटाफट रोटियां लगा लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड का भी फास्ट होता है आज के दिन, वो भी व्रत रखते हैं संतोषी माता का, हम दोनों ही मिलकर रखते हैं व्रत। तो देखिए मेरी रोटियां बन रही हैं, रोटियां बनानी है तो सभी को आती है। ये देखिए रोटी कितने अच्छे से फूलती है, रोटी मैंने बन गई है। तो इधर मैं खाना लगा लेती हूँ सबके लिए, रोटियाँ मैंने बना ली थी। तो ये मेरी दाल चावल सबके लिए रोटियाँ लगा लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने लगा दी थाली हस्बैंड के लिए। आ आप लोग भी कर लीजिए मेरे साथ डिनर, तो डिनर कर लेती हूँ मिल कर लेती हूँ। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, और दूध मैंने गर्म कर ही दिया है, और मैंने बनाई है अभी अपने लिए कॉफ़ी, क्योंकि वीडियो की एडिटिंग करते हुए कॉफ़ी पी लूँगी मैं। तो करती हूँ आप लोगों को बाय बाय, वीडियो की एंडिंग कर लेती हूँ। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना, एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।